Assalamualaikum and happy Monday. वैसे तो मंडे पूरा गुजर चुका है सबका, लेकिन क्योंकि मैं मंडे को ही व्लॉग डालती हूँ, ये जो है वो सैटरडे का दिन है और सैटरडे का दिन हमने बड़ा प्लान किया कि हम अच्छा सा घर पे ब्रेकफास्ट बनाएंगे और घर पे हमने ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकफास्ट बनाया है। इस वक्त टेबल पे आप देख रहे हैं कि एप्पल्स कटे हुए रखे हैं, फ्रेश ऑरेंज जूस है और आबिद अपना सिग्नेचर स्क्रैम्बल्ड एग बना रहा है, बिकॉज आबिद वाले जो स्क्रैम्बल्ड एग्स होते हैं ना वो दुनिया के बेहतरीन स्क्रैम्बल्ड एग्स होते हैं। इससे ज़्यादा मज़े के स्क्रैम्बल्ड एग मैंने कभी नहीं खाए और किसी दिन मैं रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। हम क्रोसॉन्स लेके आए हैं डियर क्रोसॉन एक बेकरी से, उसमें हमने इनको रख के फिल किया है और उसके साथ हमारी नीयत ख़राब हो गई थी तो हम कुछ मीठे क्रोसॉन्स भी ले आए और हम आज गिल्ट फ्री नाश्ता कर रहे हैं। यार ये सब ब्रेकफास्ट अभी हमने किया है, इतना ज़बरदस्त। और आई थिंक मेरे सैटरडे की आज के दिन की हाईलाइट यही है, सुबह सुबह हम गए मेडिटेशन करने, उसके बाद हमने इतना अच्छा ब्रेकफास्ट किया, रास्ते में हम डियर क्रोसॉन बेकरी पे उतरे, वहाँ से क्रोसॉन्स लिए, घर आके स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाए। अ लॉट ऑफ यू हैव बिन मैसेजिंग मी स्पेशली मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे कि हाउ डू यू नो रिमेन सो हैप्पी, एंड आई नो मैं कभी कोई नेगेटिव, लेट्स से नेगेटिव पोस्ट नहीं अपलोड करती, नेगेटिविटी अबाउट मी, अबाउट लाइफ, अबाउट एनीवन एल्स, आई डू इट ऑन पर्पस, बट लेट मी टेल यू, एवरीबडी स्ट्रगल्स फ्रॉम मेंटल हेल्थ किसी ना किसी तरह, किसी ना कभी किसी टाइम एवरीबडी goes through phases in life. बहुत सारे लोगों को बहुत सारी और चीज़ें चाहिए होती हैं, you want more love in your life, you want more money, you want more of this and that, but उस दरमियान जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो आपको मुझे हम सबको छोटी लगती हैं, बट इवेंचुअली वो चीज़ें कनेक्टेड होती हैं जो चीज़ें आप मांग रहे हैं उनसे। हैविंग अ टेबल फुल ऑफ लाइक मील, enjoying it with your beloved ones, और for some people enjoying it even in peace, बेशक अपने साथ। दो चीज़ें ज़िंदगी में हैं, छोटी छोटी चीज़ें अपनी फैमिली के साथ डिनर की टेबल पे, लंच की टेबल पे, ब्रेकफास्ट की टेबल पे खाना खाना, सांस बगैर किसी मुश्किल के ले पाना, देख पाना, चल पाना, बोल पाना। बाय द वे ये डियर क्रोसॉन था, क्रोसॉन आमंड वाला फ्लेकी है ना, आई लव डियर क्रोसॉन बेकरी का। सबसे मुश्किल काम ही मुझे ये लगता है कि खाने को इन्जॉय ठंडा ठंडा कैसे करें यार, आपको वीडियो बनाने में बड़ा टाइम लगता है, बट फॉर माई व्लॉग एंड फॉर यू गाइज ये करना है। ये तुम्हारा है लस्सी और इसमें थोड़ा सा शीरा, बताना कितना। हमने ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट करने के बाद सैटरडे को बहुत वॉक की, बहुत अच्छा एक्टिव दिन गुजारा, एंड देन संडे को 1 बजे हम उठे हैं और उसके बाद मैंने दिखाया कि हम नीचे गए, वॉक की, ब्रेकफास्ट किया और अब 5 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं, हम नीचे जा रहे हैं, नीचे वॉलीबॉल का मैच हो रहा है और
मैं अपनी इसमें किताबें लेके जा रही हूँ. फ्रिस्बी है इसमें, क्यूट सी हो सकता है मैं और आप फ्रिस्बी खेलें. तो आई एम रियली एक्साइटेड. मजा आ रहा है संडे को. आज एक्चुअली मौसम बहुत अच्छा है तो हर कोई जो है ना एकदम से रैंडम प्लान्स बना रहा है. हम भी अभी यही करने वाले, नीचे जाके आई डोंट नो मैं बुक पढ़ने वाली हूँ, फ्रिस्बी खेलने वाली हूँ, या मैं वॉलीबॉल का मैच देखने वाली हूँ जो ये इमानियंस का हो रहा है. यार आज इतनी सर्दी है, मज़े की सर्दी है. हमें लग रहा था कि जान ख़त्म हो गया है और सर्दी का तो आई नहीं है इस बार कराची में, जो कि सही है, मगर आज थोड़ी सी हमें सर्दी लग रही है. ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, पूरे शहर में बारिश हुई है. हमारे यहाँ बारिश हमने एक्सपीरियंस तो नहीं की, लोगों ने बताया कि रात में बारिश हो रही थी और दिन में बारिश हो रही थी, बट अभी जो बारिश के बाद का टाइम है ना ये हम इन्जॉय कर रहे हैं. ये मेरा इस वक्त मेरे सामने व्यू है. इट्स कोल्ड गाइस, सर्दी लग रही है. ये मैं बीच के लिए इस तरह का एक ट्राउज़र पहन के आ गई हूँ ताकि पानी अगर लगे भी पाओ में तो कोई मसला ना. फ्रिज भी दिखाती हूँ. ये जो मेरे नीस एंड नेफ्यू आए हुए थे तो मैंने ये फ्रिज भी मंगवाई थी, उन्होंने तो उससे खेला नहीं. एंड उस वक्त शायद बीच भी बंद था फॉर सम रीज़न. नाउ आई हैव दिस एंड आबिद और मैं और प्रॉब्ली सम किड्स हम खेलने वाले हैं. गुड, हाउ आर यू? डिड वी रिकॉग्नाइज यू? यार ये स्टेयर्स में जब भी चढ़ती हूँ ना मुझे लगता है कि हर बार ये स्टेयर्स बनाते हैं और हर बार मुझे लगता है कि बस अभी टूटने वाली है. ये वाली फिर भी बेहतर है. आई डोंट नो, बीच पे कभी कोई ऐसी ये स्टेयर्स क्यों नहीं बना सकते जो अच्छी हो, बट लाइक सॉलिड हो. ये सी शेल्स कितनी सारी हैं. एवरी डे आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं सी शेल्स पिक करने के लिए आऊँगी एंड देन आई डोंट. ये घर वाली स्लीपर्स तो मैं पहन के आ गई हूँ बीच पे, लेकिन ये अब मैं घर जाके ऊपर नहीं पहन सकती. ही सिली मी. वॉलीबॉल का मैच हो रहा है. मेरा मियाँ कहाँ है? ईरा, दैट्स माय बॉयो. आई रेड, आई टॉक टू अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. एक और भी मेरी दोस्त आ गई थी बीच पे, बहुत मज़ा आया पूरा दिन गुजार के. और उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ ये जो मेरी बदमाश टिड्डू हैं, इन्होंने सुबह 6 बजे से रोना पीटना डाला हुआ है कि मामा कहाँ हो, दरवाज़ा खोलो. आबिद भी बहुत अनॉय हुआ, मैं भी बहुत अनॉय हुई. फिर अब सुबह 9 बजे ये मैडम जो है वो रूम में फाइनली आ पाई हैं. प्यार मोहब्बत मिला है मामा से, तो थोड़ा सा इस लड़की को सुकून मिला है. छोटी बदमाश. फ्रेशन अप होने के बाद, हल्की सी लिपस्टिक और सनब्लॉक लगाने के बाद, आई एम रेडी टू स्टार्ट द डे. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम. दिस इज मंडे एंड आज मंडे का दिन खूबसूरत शुरू हुआ है बहुत. लेट्स सी कि ये दिन पूरा कैसे गुजरता है. आंख में मेरे वैसे अभी स्नोई का फर चला गया था एंड बड़ी मुश्किल से वो फर निकला बिकॉज मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती हूँ. आज भी मौसम अच्छा है, लेट मी शो यू. ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं. इस वक्त थोड़ी सी धूप हो गई है. अभी जब मैं आधे घंटे पहले उठ के लाइक व्हेन आई वाज फ्रेशनिंग अप, तब धूप बिल्कुल भी नहीं थी. मगर गाइस इतना मजे का दिस ठंडक इन द वेदर. इट्स एक्चुअली मुझे सर्दी लग रही है और अब फेब स्टार्ट हो गया, अब सर्दी लगना शुरू हुई है. जैन तो पूरा जो है वो बहुत फजूल गुजरा है. हाँ भाई, जब तक ये पौधे हमारे हवा हवाई हो रहे हैं तब तक मैं आपको दिखाऊं कि कमरे का बुरा हाल हुआ है. ये सब कुछ साफ होने वाला है. सारी किताबें जो हम लेके आए थे, तौलिए जितने भी ड्राई होने होते हैं, हम बाहर क्योंकि इस जगह पे ड्राई नहीं करते, ये फिर बुरी लगने लग जाएगी जगह बिकॉज दैट इज़ लाइक द मेन यू नो एरिया. तो इस वजह से हमें ये बेडरूम में ड्राई करने पड़ते हैं, जिस वजह से बेडरूम बिल्कुल ही कोई वियर्ड हो जाता है. अभी बेडशीट जो है वो सही होगी और ये जो टिड्डू बिड्डू हैं हमारी, ये बस प्रिंसेस बन के यहाँ पे चिल कर रही हैं. और ये अभी सब कुछ साफ होगा. अभी तो पूरा कमरा है इज लाइक वियर्ड. अच्छा, कल हम गए अपने इन लॉज के घर और वो लोग कहीं सुबह गए थे फार्म हाउस किसी फ्रेंड के, और वहाँ से उन्होंने उनको कुछ सब्जियाँ दी, फार्म हाउस की फ्रेश सब्जियाँ जिसमें से उन्होंने हमें कुछ दी. तो लेट्स सी, मैंने उनको फ्रिज में नहीं रखा था बिकॉज वो बिल्कुल फ्रेश थी. कितनी मजे मजे की चीजें हैं यार यहाँ. ये सारी वो सब्जियां हैं जो मेरी सास ने मुझे दी हैं उस फार्म हाउस से, जो फार्म हाउस वो लोग गए थे, बिल्कुल उनके फार्म की सब्जियां हैं, विच मीन्स के बिल्कुल फ्रेश हैं. बहुत ज्यादा इनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा शायद लंबी नहीं होगी. ये जो ब्रोकली है ना, ओए होए होए, आई लव दिस ब्रोकली. आई लव ब्रोकली स्मेल.
आई डोंट नो इफ यू फील कच्ची ब्रोकली की स्मेल, आई फील इट. तो ये तो मैं ऐसे ही खाने वाली हूँ. जो रामेन हम लोग बनाते हैं ना नूडल्स वगैरह, जो कोरियन नूडल्स होती हैं, इंस्टेंट नूडल्स होते हैं, उसमें मैं ये डाल के उसको थोड़ा सा हेल्दी इश बना देती हूँ. मटर और ब्रोकली मुझे नूडल्स में बहुत पसंद है, टू मेक इट अ बिट हेल्दी एंड यू नो फाइबर ऐड करने के लिए, विटामिन सी ऐड करने के लिए, एंड क्या होता है इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, वो भी ऐड करने के लिए. देन वी हैव दिस मूली. आई लव मूली के पराठे, लेकिन हम अनहेल्दी काम नहीं करेंगे, हम मूली को एज इट इज खाएंगे. मूली सैलड ये करेंगे हम, पराठे नहीं बनाएंगे हम. ओके यार, बैंगन में बड़े टाइम से ढूंढ रही थी. ओए कितना लाइट है, वाओ. अच्छा सो बैंगन में काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, और मेरे साथ ही होता है, मैं जब भी बैंगन लाती हूँ कहीं से भी अच्छे से अच्छे स्टोर से, किसी ठेले से, किसी भी जगह से बैंगन कड़वे निकलते हैं. एंड आई एम लाइक यार अब मैं क्या करूँ, आई हैव सम बैड लक इन बैंगन. ऑल दो मुझे बहुत पहचान है, हल्का हो जो इसका ये हरा वाला पार्ट है, ये हरा हो और शाइनी हो, सब करती हूँ, लेकिन फॉर सम रीज़न वो कड़वे निकलते हैं. सो किसी के फार्म के हैं, आई एम होपिंग ये कड़वे ना निकले. आज मैं बनाऊंगी आलू बैंगन. फिर चुकंदर हम इस मूली के साथ खा लेंगे, और टमाटर तो फ्री में मिले तो क्या ही बुरा है. अच्छा चीकू बड़े कच्चे, बिल्कुल कच्चे हैं, तो ये चीकू अभी बाहर ही रहेंगे. 1, 2, 3, 4 and 5. हमें चीकू तो पसंद है, आपको पसंद है चीकू शेक? चीकू शेक जब आप पीते हैं तो लिप्स पे कुछ चिप चिप हो जाता है, आई लव दैट. बट हम शेक नहीं बनाएंगे, हेल्दी चीकू एज इट इज खाएंगे. आप कह रहे होंगे पागल हो गई लड़की, सुबह सुबह ही मिर्च क्यों खा रही है नाश्ते में. इसलिए खा रही हूँ कि मैं हरी मिर्च को नमी से चख के देखती हूँ कि इससे कुछ मिर्चू वाला बनाया जा सकता है या नहीं. तो नहीं, बिल्कुल नहीं. आजकल यार हरी मिर्चों को कुछ हो गया है. पहले याद है पतली वाली हरी मिर्च आती थी, मलीर वाली, तो उससे आप चटनियाँ बनाते थे. अब तो हरी मिर्च में मिर्ची नहीं होती, आपको वो थायराइड चली लेनी पड़ती है जो महंगी बहुत होती है. सो इस पे तो हम डिपेंड नहीं कर सकते कि इन हरी मिर्चों से, क्योंकि ये बहुत तेज़ हैं, तो हम कोई बिरयानी शिरयानी बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता. कैंसल प्लान. अब सबसे ज़्यादा दुखी सवाल हर अकेले रहने वाले का, हर देसी खातून का, हर उस इंसान का जो अपने घर का ख्याल रखती हैं कि खाने में रात में क्या बनेगा. अल्लाह का शुक्र है कि कल का कीमा बना हुआ रखा है, तो एक मीट ऑप्शन हो जाएगी. बाकी मैं सोच रही हूँ कि मैं या तो आलू बैंगन बना लूँ या मैं मिक्स वेजिटेबल बना लूँ. मिक्स वेजिटेबल के लिए आलू हैं, मटर हैं, गाजर है, सिर्फ गोभी चाहिए होगी, और गोभी नहीं है, गोभी नीचे से आ जाएगी. मगर मैं चाहती हूँ जो मेरी सब्जियाँ मेरे पास इस वक्त हैं, क्यों ना मैं उनका इस्तेमाल करते हुए पहले उनका इस्तेमाल कर लूँ ना. तो मैं बनाऊँगी आलू बैंगन, और ये टिड्डू जो हैं ये आ गई हैं. जी स्नोबेल, ये डैडी ने यहाँ पे शूज क्यों रखे हैं, और डैडी जो हैं वो यहाँ पे शूज रख के क्यों गए हैं, क्या लगता है आपको, क्या कहती हैं आप इस बारे में? स्नोबेल इधर आओ, सुबह शोर क्यों किया था इतना, अब छुप क्यों रही हो, आओ बाहर आओ. क्या मसले में साइल हो गए थे, सुबह जानू आपको. एनीवे ये चीकू यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरी सास ने मुझे अगेन कोई, आई थिंक वो अपनी किचन की होर्डिंग कम कर रही थी शायद, तो ये सारी सीजनिंग्स देखी हैं. अब जरा देखते हैं सारी सीजनिंग्स क्या हैं, उनको किस तरह इस्तेमाल करना है. ये नमक मिर्च की फहीता सीजनिंग खाएंगे. मैंने देख लिया जो चीज़ें मेरे काम की थी वो मैंने रख ली, बाकी मैंने डिस्कार्ड कर दी. कुछ बॉटल्स मैंने सेव रख ली, और मैं हमेशा अपना जो फ्रिज का डोर है उसको बार बार देख रही होती हूँ कि जो भी स्पाइसेस हैं बहुत टाइम से रखे हुए हैं वो यूज़ हो जाएं, यूटिलाइज हो जाएं, ख़त्म हो जाएं. तो ये मिशन मेरा चलता रहता है 24/7. अब कुछ चीज़ें हैं जो हमने डिस्कार्ड करनी है, कुछ चीज़ें जो रखनी है, कुछ चीज़ें जिनकी बॉटल रखनी है, चीज़ें डिस्कार्ड करनी है. मैं दिन में सुबह उठ के खाना पकाने के बाद बीच बीच में जो भी मेरे पास टाइम होता है उसमें मेडिटेट करती हूँ. मेडिटेशन इज़ ऑल अबाउट जस्ट बीइंग अवेयर, और किसी एक चीज़ को आप एंकर बना सकते हैं. कोई भी एक चीज़ जिसको आप देख रहे हो बस देखते रहें ताकि फोकस में वो काम आए. 15 मिनट्स की अगर आप मेडिटेशन करते हैं दिन में एक बार या दो बार, आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ.
इसका वैसे कोई रूल नहीं है. जब भी मुझे लगता है कि मुझे लाइफ में फोकस चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए या वैसे ही क्लैरिटी चाहिए, तो मैं मेडिटेट करती हूँ. ये मेरी लाइफ का एक समझें रेगुलर पार्ट है. इट हेल्प्स मी अ लॉट टू फंक्शन एंड टू बी सेन. जिस तरह से बहुत सारे लोग मेडिटेशन के बारे में समझते हैं कि शायद आंखें बंद करके ओम कहना है या कुछ ऐसा कहना है, आई डोंट डू सच थिंग्स. आई डू अ मेडिटेशन विच हैज़ बिन गाइडेड बाय अ टीचर हु इज़ कॉल्ड ताहिर खान. खुद को जानो के नाम से उनकी एक मेडिटेशन होती है, एंड ही आस्क्स अस टू बी अवेयर ऑफ आर सराउंडिंग्स एंड नॉट टू क्लोज आर आइज फॉर लॉन्ग एंड जस्ट फील anything that we are feeling and try to achieve that place which is like nothingness and just being in the present. That's it. Snowbell ko ho gayi hai zoomies. Zoomies pe kya karti ho aap, janu karke dikhao. Zoomies jab hote hain to kya karti ho aap, karke dikhao na janu. Audience wait kar rahi hai janu. Ye dekho, ye aapki dum jo hai वो. हाँ, रेडी हो? एंड नाउ आई एम रीडिंग. बेशक मैं चार पेजेस ही क्यों ना पढ़ूँ दिन में, लेकिन आई ट्राई के सोने से पहले चार पेजेस मैं ज़रूर पढ़ लूँ, और दिन के किसी कोई भी टाइम मुझे मिले, सुबह का, दोपहर का, शाम का, चार पेजेस पढ़ लूँ. सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, सेल्फ हेल्प, कभी कभी फिक्शन भी पढ़ती हूँ, बट रीडिंग इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर सोल. Book is it only takes everything you've got, lessons for a life of success. There was this study in which around 50 people were asked, who were over the age of 95, if you could live your life over again, what would you do differently. So isme ye teen jawab bahut common the, jisme se ek tha I would reflect more, I would risk more, I would do more things that would live on after I'm dead. So now this question is for you. If you had to choose between these three, one thing, two things, or probably all of these three things, mine would be I would risk more. जो चीज़ें मैं लाइफ में अचीव करना चाहती हूँ उसके लिए जो प्राइस है वो मुझे पे करनी है, विच इज़ लेट्स से फॉर व्लॉगिंग, टू शेयर स्टफ विद यू गाइज, आई नीड टू बी होल्डिंग द कैमरा हर ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए. सो इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग इन लाइफ यू हैव टू टेक अ रिस्क. चाहे वो कोई भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हों, वर्क रिलेटेड, आपका करियर, आपकी फैमिली, खुशी, सेहत, एनीथिंग. सो यू शुड बी विलिंग टू पे द प्राइस फॉर इट. एंड ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी, और मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये एज को उन्होंने बड़ा मज़े से डिफाइन किया हुआ था. इन योर ट्वेंटीज़ वेन यू आर अ टीनेजर यू थिंक यू कैन डू एनीथिंग एंड यू डू. आई थिंक माई एम इज़ टू बी लाइक दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. अभी मैं बाकी चीज़ें शेयर करती हूँ. योर ट्वेंटीज़ आर अ ब्लर, येस दे आर. 30s, raise your family, you make a little money, you say to yourself, what happened to my 20s? 40s, grow a little pot belly. So, pehla aim to ye hai ki ye nahi hona chahiye. And grow another chin. Oho. Music starts to get too loud. One of your old girlfriends from high school becomes a grandmother. Aur I think hamare yahan, hamari society mein, 30s or 40s mein ye hota hai that if you are not married, and if somebody else is married or bachche ho gaye or bachcho ke bachche ho gaye, then you are like, oh, what am I doing with my life? And I think with shaadi, bachche, all of those things, there is and there should be no age. It should just feel right. And I hope ye na ho 50s you have minor surgery, or 60s or 70s ki bhi koi bahut zyada funny cheeze hain नहीं लिखी हुई, बट 70s में यू आर लाइक बच्चे लिफ्ट क्यों नहीं कराते, बच्चे कहाँ चले गए. सो या अ लॉट ऑफ यू आस्क मी आप इतने चेयरफुल कैसे रहती हैं, खुश कैसे रहती हैं. तो आई थिंक ये मैंने पहले एक बार शेयर किया था कि मैं आई विल शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स
nobody's perfect. I'm not perfect and I'm not happy all the time. I'm not chirpy all the time. It's just ke jab aap down hote hain ya jab aapki life mein koi problem aati hai to aap usko share nahi karte, post nahi karte, right? Magar and I feel happiness is something that you choose. There's an author who says that, you know, when you wake up and then you choose what to wear, just like that, you have to actively choose that I'll be happy today. So, जब आप decision लेती हैं और आपकी will power strong होती है तो आप उस kind of frequency में आते हैं जिसमें you are content with anything and everything that you have got and then similar things are attracted towards you. तो अगर आप जिंदगी में, मैं हर बार ये सोचती हूँ मुझे ये करना है वो करना है ये अचीव करना है वो अचीव करना है, इट कुड बी एनीथिंग यार, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, बट देन आई एम लाइक वेट, दैट इज फ्यूचर. फ्यूचर के बारे में सोचना एंजाइटी देता है. सो वॉट इज माई प्रेजेंट ऑफरिंग मी, एंड देन आई एम लाइक यार बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं टू बी ग्रेटफुल फॉर. आपके सर पे एक छत है, आप खाना खा पा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई, चलो तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, कोई एक इंसान भी ऐसा है जो जेन्युइनली आपकी परवाह करता है, केयर करता है, यू आर लकी. नॉट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड हैज दैट. ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे दराज से, ना बुरा सुने, ना बुरा देखें, ना बुरा बोलें. कोई किसी की बुराई कर रहा हो, ट्राई के अटेंशन ना पे करें. बुरा देखना, मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट ज़रा सही से समझ नहीं आ रहा, बट बुरा ना बोलना, इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स टू अचीव इन लाइफ. अब इसके बाद मैंने आलू बैंगन बनाया, हमने मूवीज देखी, शोज देखे, रात में हम वॉक करने गए, लेकिन मैं आलू बैंगन की रेसिपी आज शेयर नहीं करूंगी. मैंने रिकॉर्ड की हुई है, कल आपसे शेयर करूंगी कल के व्लॉग में, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, बड़ा मसला होगा अपलोड करने में. इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.